बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर सईद अहमद फ्रॉम एडमायर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर द लेक्चर ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। टॉपिक इज़ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच फॉर द बीकॉम पार्ट वन। सो इंट्रोडक्शन, ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है? सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ऑर्डिनल अप्रोच सबसे पहले बयान की स्लट्सकी ने 1915 में, जे आर हिक्स और आर जी डी एलन ने 1934 में। दिस अप्रोच इज आल्सो कॉल्ड हिक्स एलन अप्रोच आर रैंकिंग अप्रोच टू मेजर यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू हिक्स एलन, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स बिकॉज यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव मैटर। यूटिलिटी इज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल दैट कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड। दे मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, दैट इज मोर प्रेफर्ड, लेस प्रेफर्ड आर नॉट प्रेफर्ड। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कंसिस्ट ऑफ इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सो अजम्पशंस हैं इस अप्रोच की, फॉलोइंग आर द अजम्पशंस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। वन इज द रैशनैलिटी। हेयर वी अज्यूम दैट कंज्यूमर इज रैशनल, ही इज वेल अवेयर ऑफ हिज इनकम, हाउ टू स्पेंड इट टू मैक्सिमाइज इज यूटिलिटी। हम यहाँ पर लेते हैं टू गुड्स मॉडल, के दो अशियाँ हैं एक्स एंड वाई हो सकती हैं जो कंज्यूमर मार्केट से परचेज कर रहा है। कंज्यूमर्स इनकम, यहाँ कंज्यूमर इनकम को हम कॉन्स्टेंट लेते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आती क्योंकि इनकम चेंज होने पर उसकी प्रेफरेंसेज क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेज रिमेन कॉन्स्टेंट, उसकी पसंद नापसंद टेस्ट ये चीज़ें सारी एक जैसी रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, इनमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आती। परफेक्ट नॉलेज इसके बारे में होता है कि मार्केट के बारे में कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज होता है, पता होता है कि कौन सी चीज़ मार्केट में सेल हो रही है और किस रेट पर कहाँ सेल हो रही है। एक जनरल सा आइडिया होता है ताकि मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करने वाला उस कंज्यूमर को धोखा ना दे। डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, गुड्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है बाय पार्ट्स, 1 kg, 2 kg, 10 kg खरीद की जा सकती हैं। तो इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन दो कंसेप्ट हैं जिसको हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हमारे पास है इंडिफरेंस कर्व। एन इंडिफरेंस कर्व शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच यील्ड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। सो ही इज इनडिफरेंट अमंग द वेरिएबल्स, कॉम्बिनेशन, वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ कमोडिटीज। कमोडिटीज के डिफरेंट बंडल्स होते हैं, डिफरेंट पेयर्स होते हैं उस कंज्यूमर के सामने। कंज्यूमर उन पेयर्स के दरमियान इनडिफरेंट है, नॉट प्रेफर टू ए पेयर टू बी, नॉट प्रेफर टू बी टू सी, सी टू ए, कोई उसकी प्रेफरेंस नहीं है। सिर्फ ये है कि वो किसी भी कम्बिनेशन को सिलेक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज डिज़ायर। तो इसमें नेक्स्ट हम स्लाइड में जाते हैं जिसमें इनडिफरेंस कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। कर्व कैसे बनता है? एन इनडिफरेंट कर्व स्लोप डाउनवर्ड, मोर ऑफ वन प्रोडक्ट मीन्स लेस ऑफ द अदर प्रोडक्ट, टोटल यूटिलिटी इज टू रिमेन अनचेंज। तो इसमें देखें कि हमने यहाँ एक इनडिफरेंस कर्व बनाया है जिसमें दो पॉइंट हैं ए एंड बी, जिस पर ये हमारे पास कमोडिटी वाई है, ये कमोडिटी एक्स है। अगर कमोडिटी एक्स को वो यहाँ ए पॉइंट पर परचेज कर रहा है तो वाई के यूनिट ज़्यादा हैं एक्स के कम है। जैसे ही वो एक्स का एक एक्स्ट्रा यूनिट लेगा तो कमोडिटी वाई के कुछ यूनिट क्या करेगा, लेफ्ट करेगा, छोड़ देगा, जिनको हम कहते हैं डिस्पोज ऑफ करेगा, तो ए से बी पर जाएगा। बट सेम इंडिफरेंस कर गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, आइदर ही सेलेक्ट पॉइंट ए आर बी, दोनों में से कोई भी वो सिलेक्ट करे इनके दरमियान इंडिफरेंट रहेगा और दोनों पर उसकी यूटिलिटी सेम है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बजट लाइन। कंज्यूमर के पास जो इनकम है वही उसका बजट है, उसको जाकर उसने टू गुड्स मॉडल हम यहाँ सपोज कर रहे हैं तो दोनों गुड्स पे उसने जाकर स्पेंड कर रहे हैं। तो बजट लाइन क्या है जी? बजट लाइन शोज द वेरियस कॉम्बिनेशंस आर बंडल्स ऑफ टू गुड्स वेयर इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जितने भी इनकम है वो उसके एक्सपेंडिचर के इक्वल है, व्हाइल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर आर गिवन। तो ये दोनों चीज़ें गिवन होती हैं, तो इनकम की एक लाइन बनती है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि कंज्यूमर ए और बी लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर रहते हुए कोई भी कम्बिनेशन खरीदेगा तो उसकी टोटली इनकम खर्च हो रही होगी, चाहे वो कमोडिटी वाई है या कमोडिटी एक्स है। अब ये नेगेटिव स्लोप लाइन है जो कि ये बता रही है कि अगर आप वाई गुड के ज़्यादा यूनिट लेंगे तो एक्स पर कम एक्सपेंस करेंगे, अगर एक्स पर एक्सपेंस बढ़ा देंगे तो वाई पर एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन आपका जो इंटायर बजट है वो सारा का सारा इसी लाइन पर स्पेंड होना है।
इस लाइन से ना ऊपर जा सकते हैं ना ही नीचे आ सकते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर है। अब हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मैक्सिमाइज हिज आर हर सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग हिज आर हर लिमिटेड इनकम। व्हेन कंज्यूमर अचीव्स हिज टारगेट ही वुड बी इन इक्विलिब्रियम। द कंज्यूमर विल अक्वायर इक्विलिब्रियम पोजिशन विद द कंस्ट्रेंट ऑफ हिज इनकम, क्योंकि इनकम उसकी लिमिटेड है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंस्ट्रेंट। If the following conditions are fulfilled, यहाँ पर दो कंडीशन है, अगर वो दो कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम हासिल हो जाएगा। वो दोनों कंडीशन नेक्स्ट स्लाइड पर दी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नेसेसरी कंडीशन, पहली जो हमारी कंडीशन है इसमें हम देखते हैं कि MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X फॉर Y मस्ट बी टू इक्वल द रेशियो ऑफ कमोडिटी prices। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर मस्ट बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। यहां पर हम कहते हैं MRS XY इक्वल टू प्राइस ऑफ X एंड प्राइस ऑफ Y। ये जो वैल्यूज दी हुई हैं, दिस इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, दिस इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर। जब दोनों कर्व्स के स्लोप आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वहां पर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम होता है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड एट द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर। तो इसमें नेक्स्ट स्लाइड में ये तीन इंडिफरेंस कर्व आपको नजर आ रहे हैं, I1, I2, I3। अब कंज्यूमर जो है अपनी इनकम के मुताबिक, अगर वो ए पर खरीदारी करता है तो वो I1 पर है, डी पर खरीदारी करता है तो I1 पर है, ई पर खरीदारी करता है तो I1 पर है। अब ई पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि उसका इंटायर बजट स्पेंड हो रहा है, ए पर भी इंटायर बजट स्पेंड हो रहा है, यहां पर उसका बजट सारा स्पेंड नहीं हो रहा, तो ये तो उसका डिजायरेबल पॉइंट ही नहीं है। जब ई डिजायरेबल पॉइंट है, लेकिन हम कहते हैं कि कंज्यूमर चाहते हैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अब ई पॉइंट पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं है क्योंकि I1 शो द लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिकॉज इट इज द फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व, हायर द इंडिफरेंस कर्व शो द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अभी कंज्यूमर फिर एफ पॉइंट पर जाता है, जैसे ही I2 पर जाता है इंडिफरेंस कर्व 2 पर, तो उसकी सेटिस्फेक्शन हाई हो जाती है, सेटिस्फेक्शन ज्यादा होती है, कंज्यूमर भी ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहता है। तो एफ पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम बेस्ट अफोर्डेबल बंडल कहते हैं कंज्यूमर को। इस बंडल में वो 8 यूनिट सपोज कर रहे हैं हम के एक्स गुड के ले रहे हैं, और इसी तरह से 6 यूनिट्स या यूनिट्स जो हैं वो वाई गुड के परचेज कर रहे हैं, तो ये उसकी बेस्ट च्वाइस होगी जिसको हम कहेंगे बेस्ट अफोर्डेबल बंडल फॉर द कंज्यूमर। तो बस इसी के साथ ही ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन जाता है। इसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे आप लोग तो वो आपका इक्विलिब्रियम कंफर्म हो जाएगा, ये पूरा एक क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।